के साथ मनाया जा रहा है। सब आप लोग जान रहे हैं, पेपर में टेलीविजन में सब जगह प्रचार हो रहा है और बड़ी खुशी है। अभी हमारे हिंदुस्तान में जैसे बहुत बड़ा पर्व होता है उस तरह से इसको मनाया जा रहा है और ये बड़े हर्ष की बात है कि यहाँ का मुल्क और इस खुशी मनाया जा रहा है कि हमारा मुल्क बहुत देशों से अभी ये 75 साल की आज़ादी के आते आते बहुत आगे बढ़ा हुआ है। मेन वजह यह है कि हमारे यहाँ के जो जन कल्याण है, जनता है, हमारे पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बेटियाँ हैं, बेटे हैं, सभी जोश जोश के साथ हिंदुस्तान के प्रति समर्पित हैं। हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, इसी के साथ एक बार फिर हम जोर से बोलें भारत माता की जय। हमारे पिताजी ने आपको कुछ बातें बताई। खास बात यह है कि पिताजी खुद सेना में 32 साल सर्विस करके आए, तो उनका एक्सपीरियंस हम लोगों से बहुत ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ के भी लोगों के बीच में काफ़ी सालों से समाज सेवा कर रहे हैं, इसी कारण को बहुत जगह जाना पड़ता है और अभी जाएंगे। अभी मैं हमारे पांडे सर दो बात बोलेंगे जो आपके हिंदी के शिक्षक हैं। और बहुत सारे लोग को ये पता होगा, कई बार सोचते हैं आदमी कि मेरा बहुत बार अब फेल हो रहे हैं, हम सफलता नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके शिक्षक आपके सामने एक प्रमाण पेश किए हैं जो ये है कि इनको पांडे सर का अभी जॉब लगा है। कई लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं पता है। जिनको नहीं पता है उनको मैं बताता हूँ कि पांडे सर जो हमारे हिंदी के शिक्षक हैं उनका जॉब रेलवे में स्टेनोग्राफर के रूप में हुआ है और लखनऊ में इनका तैनाती है। तो अभी पांडे सर बताएंगे आपको कि असफलता से कभी निराश नहीं होना है। आइए, धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज इस पछाड़ में अमृत महोत्सव जो हम आज आज़ादी का जो अमृत महोत्सव आज मना रहे हैं, इसमें कई तरह के आप लोग को एक अपने आप में एम जो है अपने का एक संकल्प भरना चाहिए। ये महोत्सव एक देश के लिए है, आपके लिए है, आपके एम के लिए है। और महोत्सव मनाने के पीछे
आपका एक बहुत बड़ा एम होना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए। जब आप कोई भी महोत्सव जो मना रहे हैं उनके पीछे दी जाने वाली कुर्बानियों को याद करें और उसको अपने आप में एक संकल्प से भर लें, जिससे कि आप अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। और जहां लोग असफलता की बात करते हैं तो असफलता का मुख्य कारण है अपने कार्य को, अपने पठन पाठन को एक सही समय पर, नियत समय पर और कंटिन्यू नहीं रखे हो, तभी असफल होते हैं। यदि आप सही से मेहनत करें और लगातार मेहनत करें, बीच में अविराम न दें, कोई रुकावट पैदा ना हो, तभी जाकर के आपको सफलता हासिल होगी। कई लोग चंद समय में, साल भर में, 2 साल में नौकरी लेकर चले जाते हैं, कई लोग जो है बैठे रह जाते हैं लेकिन नौकरी नहीं लगती है। इसका कारण है कि आप समय भले ही दिया हो लेकिन उस समय का सदुपयोग आपने नहीं किया है, आपने मेहनत नहीं किया है। इसलिए जब जिसके लिए आप आए हैं थोड़ा सा मेहनत करके, तपस्या करके, अगर आप उसको सही सुचारू रूप से करें तो आप अवश्य सफलता हासिल होगी, अवश्य होगी। जय हिंद, जय भारत। अभी आपने देखा पढ़ने से कभी चाहते हैं, असफलता से कभी निराश नहीं होना है। और भारती मैम, 2 शब्द आप भी बोलिए। आदरणीय निर्देशक महोदय, अतिथिगण एवं देशभक्त वासियों, आप लोगों को सबसे पहले 75वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को 75वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी जो सर और मैडम ने आपको बताया, थोड़ी देर पहले आपने देख रहा था कि यहाँ का मौसम खराब हो रहा है ना। आपको मैं बताया था, हमारे बीच में विनोद सर भी हैं जो हमारे सीआरपीएफ में जॉब कर रहे हैं, और हम लोग ऐसे कई बार 26 जनवरी या 15 अगस्त कैसा सिचुएशन रहा है, मौसम कितना भी खराब रहे एक टाइम होता है, उस टाइम में आपको झंडा फहराने पड़ा था। इसलिए मैंने बोला था कि हम आगे हम काम चालू है ना, मौसम अपने आप बदल जाता है, आपका हाथ इच्छा होना चाहिए क्या जी, कोई भीगा भीगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, देश के लिए तो हम लोग कर सकते हैं। तो हम सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से भी सभी को 75वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई।